बाजार के फेवरेट माने जाने वाले एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों में बाजार के पके हुए निवेशक आंख मूंद कर निवेश का दांव लगा देते हैं। हो भी क्यों ना भाई, इस ग्रुप के शेयरों ने बीते दो दशक से बाजार को आउट परफॉर्म जो किया है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की बात करें तो बीते दो दशक में यह शेयर 22 रुपए से चलते चलते 1436 रुपए पर पहुंच गया, यानी कि 64 गुना से ज्यादा का रिटर्न, जिसमें डिविडेंड से होने वाली आय शामिल नहीं है। इसी तरह ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने इस दौरान 47 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 54 रुपए 18 पैसे वाला शेयर आज 2500 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी से तुलना करें तो इन दोनों शेयरों ने निफ्टी को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म किया है, यानी कि निफ्टी से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया है। निफ्टी ने 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2020 के दौरान केवल 11 गुना का रिटर्न दिया है। इंडेक्स 1263 से उछलकर 13981 पर पहुंचा है। यही नहीं, ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ ने केवल 3 सालों में 290 रुपए के इश्यू प्राइस से निवेशकों का पैसा 2 गुना कर दिया। इसी तरह ग्रुप की एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी एएमसी 6 अगस्त 2018 को 1100 रुपए के मुकाबले 3 गुना का रिटर्न दे चुकी है। इसी मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के बिल्कुल विपरीत इस साल फरवरी से एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों ने तेजी में बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया है और बाजार को अंडर परफॉर्म किया है, यानी कि बाजार की तुलना में कम रिटर्न दिया है। एचडीएफसी एएमसी 15 फरवरी से अब तक 15% और एचडीएफसी बैंक 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है। वहीं एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी लिमिटेड 1.5% से 2% तक टूट चुके हैं, जबकि इस दौरान निफ्टी 14% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। इस गिरावट या अलग रवैये को समझने के लिए हमने कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग से बात की। उनका कहना था कि मार्च 2020 की गिरावट के बाद जब खरीदारों ने दोबारा दाम लगाना शुरू किया तो उसमें फंडामेंटली सेफ शेयरों की सूची में सबसे आगे एचडीएफसी ग्रुप शेयरों पर पहले दाम लगा। लेकिन फरवरी 2021 में जब ग्रुप के शेयर दोबारा अपने हाईस पर पहुंचे तो दूसरे सेक्टर्स या सस्ते शेयरों में निवेश पर फोकस वाले निवेशकों ने इन शेयरों से अपना हाथ खींच लिया। कोरोना काल में घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम की जो सुविधा कंपनियां दे रही हैं वो जल्द खत्म हो सकती है। खबर है कि कई दिग्गज आईटी कंपनियां जल्द ही अपने कर्मचारियों को धीरे धीरे वापस ऑफिस बुलाने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 6 महीने के अंदर दिग्गज आईटी कंपनियों के 50% तक कर्मचारियों को वापस बुला लिया जाएगा, बशर्ते कोरोना की तीसरी लहर घातक ना हो। रिपोर्ट्स के अनुसार दिग्गज आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों की ऑफिस में वापसी के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने ऑफिस स्पेस, कैब और अन्य सुविधाएं देने वाले लोगों से संपर्क स्थापित कर लिया है। ऐसे संकेत हैं कि नए साल की शुरुआत से ही कंपनियां कुछ कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुलाना शुरू कर सकती हैं। खास बात ये कि कंपनियां ही कर्मचारियों को वापस बुलाने की तैयारी में नहीं हैं, बल्कि घरों से काम कर रहे अधिकतर कर्मचारी भी ऑफिस आकर काम करने के पक्ष में हैं, बशर्ते उनके साथी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो, लगातार टेस्टिंग होती रहे और सहयोगी ऑफिस में मास्क पहन कर रहें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल में भारत सहित 33 देशों के ऐसे कर्मचारियों का सर्वे किया है जो घरों से काम कर रहे हैं। इनमें से 78% कर्मचारियों ने ऑफिस में अपने सहयोगी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। 74% ने कहा है कि कर्मचारियों को टीका नहीं लगा हो तो समय समय पर उनकी टेस्टिंग होती रहे और 81% ने मास्क पहनने पर जोर दिया है। इस सर्वे के मुताबिक भारत में 90% कर्मचारियों ने सहयोगियों के वैक्सीनेशन, 84% ने टेस्टिंग और 73% ने मास्क पर जोर दिया है। सोना चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, लेकिन निवेशकों का इसके प्रति लगाव कभी कम नहीं होता। दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा संकट सामने आता है तो सुरक्षित निवेश के लिए लोग सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। अब खबर तो ये है कि कोरोना वायरस का नया अवतार ओमिक्रॉन दुनिया के सामने नया संकट बनकर सामने आया है और इस संकट को सामने देख सोने के प्रति लोगों की चाह फिर से बढ़ गई है। निवेशकों को सोने में निवेश के लिए गोल्ड के ट्रेडेड फंड, जिन्हें कहा जाता है गोल्ड ETF, खूब पसंद आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एम्फी के आंकड़े बताते हैं कि निवेशकों ने नवंबर में गोल्ड ETF के अंदर 683 करोड़ रुपए का निवेश किया। अक्टूबर की तुलना में ये निवेश दुगने से भी ज्यादा है। निवेशकों ने अक्टूबर में गोल्ड ETF के अंदर करीब 303 करोड़ तथा सितंबर में 446 करोड़ रुपए का ही निवेश किया था।
विशेषज्ञों की माने तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। इससे शेयर बाजारों में फिर से अस्थिरता का माहौल हम देख रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षित निवेश के लिए निवेशक गोल्ड ETF में पैसा लगाने लगे हैं। हालांकि नवंबर में सोने का भाव भी कम हुआ था और साथ में निवेश के लिए ये एक सस्ता विकल्प भी है। यही वजह है कि नवंबर में गोल्ड ETF में लोगों ने खूब पैसा लगाया है। इस साल नवंबर तक गोल्ड ETF में निवेशक 4500 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। एम्फी के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि गोल्ड ETF के नए निवेशकों की संख्या नवंबर में 10% बढ़कर 29.29 लाख हो गई थी और अक्टूबर में यही आंकड़ा था 26.6 लाख का। गोल्ड ETF पेपर गोल्ड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका भी माना जा रहा है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है जो सोने के गिरते चढ़ते भावों पर आधारित होता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप और शेयर बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर आज ये है कि दिवालिया सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को खरीदने की दौड़ में अब देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने बोली लगाने के लिए एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस के साथ पार्टनरशिप की है। खबर तो ये है कि ये दूसरी दिवालिया कंपनी है जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने की कोशिश कर रही है। 2019 में JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज के लिए 5000 करोड़ रुपए की संयुक्त बोली लगाई थी। आलोक इंडस्ट्रीज पर 27 बैंकों का 30000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था। 2021 की शुरुआत में वेल्सपन ग्रुप ने सिंटेक्स के लिए 1950 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, पर बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई क्योंकि 7500 करोड़ से ज्यादा के दावे के सामने ऑफर बहुत ही छोटा था। अब इस कंपनी को लेकर बोली लगाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे इस साल अप्रैल में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच द्वारा दिवालिया प्रक्रिया में भर्ती कराया गया था। बोली लगाने वालों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेल्सपन ग्रुप के अलावा GHCL लिमिटेड, श्रीकांत हिम्मत सिंह का और दिनेश कुमार हिम्मत सिंह का समेत हिम्मत सिंह का वेंचर्स भी शामिल है। अधिग्रहण के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का वैल्यू चेन पर कब्जा हो जाएगा क्योंकि सिंटेक्स के ग्राहकों में अरमानी, ह्यूगो बॉस, AG, डीजल और बर्बेरी जैसी टॉप लग्जरी ब्रांड शामिल थे। रिलायंस रिटेल ने हाल ही में इन ब्रांड्स के साथ करार किया है। दिवालिया सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए बोली देने वालों की लंबी कतार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्सटाइल क्षेत्र में बढ़ते रुझान का असर शेयर बाजार में लिस्टेड अन्य टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट, KPR मिल्स, आलोक इंडस्ट्रीज, सुपर स्पिनिंग, R&B डेनवी समेत कई ऐसे शेयर हैं जो कि बीते हफ्ते जो तेजी शुरू हुई थी उसमें इस हफ्ते भी वो प्रकरण अभी भी जारी है। चलते चलते आपको बता दें कि अमेरिका के चीन से इंपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल उत्पादों पर बैन से भी भारत से एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद में टेक्सटाइल शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। उम्मीद है ये खबर आपके काम की थी और आपको पसंद आई होगी। आपके लिए ये खबर लिखने में मेरे सहयोगी हर्ष चौहान ने मेरी मदद की। सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से नई कार की डिलीवरी में पहले ही देरी हो रही है और अब खबर ये है कि कारों की लेट डिलीवरी का ये सिलसिला 6 से 7 महीने तक खिंच सकता है। रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि चिप और सेमीकंडक्टर्स की जो किल्लत है वो जून 2022 तक बनी रह सकती है। कोरोना काल में चिप और सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चिप और सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल गाड़ियों में होता है, ऐसे में गाड़ियों का प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है जिस वजह से डिलीवरी में देरी हो रही है और अब ये देरी जून 2022 तक खिंचने की आशंका है। चिप और सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल केवल कारों में ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर में भी होता है। यानी इन उत्पादों के जितने भी ये उत्पाद हैं उनके उत्पादन पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि हाल के दिनों में नए स्मार्टफोन का जो लॉन्च है वो सुस्त हुआ है। चिप और सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से ग्राहकों को कार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की डिलीवरी में तो देरी हो रही है, साथ में ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कमी की वजह से अकेले 2021 में ही करीब 5 लाख कम गाड़ियां बिकेंगी और इससे करीब $5 अरब की बिक्री घट जाएगी। कंपनियों को उम्मीद है कि जुलाई से ही स्थिति में सुधार होगा, यानी कारों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिलीवरी में हो रही देरी जुलाई से ही सुधर सकती है। बाजार में कारों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई अभी कम है, कम सप्लाई से कीमतों के कम होने की उम्मीद भी नहीं है। यानी चिप और सेमीकंडक्टर्स की कमी से डिलीवरी में तो देरी है ही, साथ ही ये कमी आपकी जेब पर भी भारी पड़ रही है।
पहली फरवरी को अगले वित्त वर्ष के लिए बजट की घोषणा होने वाली है और ऐसी बातें चल रही हैं कि इस बार बजट में सरकारी बैंकों को अपनी वित्तीय सेहत सुधारने के लिए वो मदद नहीं मिलेगी जो पिछले बजट में मिली थी। ऐसी खबरें हैं कि बजट में सरकारी बैंकों के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन की घोषणा होने की संभावना नहीं है। इसकी वजह है बैंकों की ठीक होती वित्तीय सेहत। पिछली बार सरकार ने बैंकों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए जो पूंजी उन्हें दी थी उससे बैंकों की दशा में सुधार हुआ है। इसके अलावा बैंकों के डूबे कर्ज भी पहले के मुकाबले कम हुए हैं। शायद अब सरकार समझती है कि बैंकों को उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है और यही वजह है कि बजट में बैंकों के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन की घोषणा होने की उम्मीद नहीं है। सरकार शायद ये भी चाहती है कि बैंक अब अपने लिए पूंजी का इंतजाम बाजार से करें। इसके लिए बैंक अपने ऐसी संपत्तियों को बेच सकते हैं जो उनके कामकाज के लिए जरूरी नहीं है। अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है उसी के दौरान सरकार ने सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी दी थी। सरकार की मदद से बैंकों को लाभ भी हुआ और कोरोना काल के बावजूद पहली छमाही में 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा भी इन्हें मिला है। अब बैंक जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो सरकार भी अपनी जेब पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहती, तो शायद यही वजह है कि इस बार बजट में बैंकों को सरकारी मदद मिलने की उम्मीद कम ही है।